नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर। देश में 19 अप्रैल को शुरू हुआ लोकसभा चुनाव शनिवार को अंतिम चरण की वोटिंग के साथ समाप्त हुआ है। मतदान खत्म होने के बाद शनिवार देर शाम को अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल भी जारी किए हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार देश भर में एनडीए 353 से लेकर 383 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसी तरह अधिकतर एग्जिट पोल ने एनडीए को 350 से अधिक सीटें दी हैं। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल की माने तो पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम की लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। एग्जिट पोल में सिक्किम को लेकर जो भी दावे किए जा रहे थे वे वहां फैल हो गई हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी की रैलियों में काफ़ी लोग जुट रहे थे। इस बार सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए और कल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जारी हुए हैं, जिसमें से एसकेएम पार्टी ने 32 सीटों में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बार बीजेपी सिक्किम में अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम ने राज्य की 32 सीटों में से 31 पर कब्जा कर लिया है। वहीं एक सीट एसडीएफ के खाते में चली गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले सिक्किम में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, जहां एक भी सीट जीत नहीं पाई है। सिक्किम विधानसभा चुनाव में सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा। एसडीएफ सुप्रीमो चामलिंग दोनों सीट से हार गए हैं। जहां से वे चुनाव लड़ रहे थे, एसडीएफ के एकमात्र उम्मीदवार तेंजिंग नोरबू लामथा ने पूर्वी सिक्किम के सियारी से जीत हासिल की है। सिक्किम बीजेपी के अध्यक्ष दिली राम धापा अपर बुलटुक विधानसभा में एसकेएम के उम्मीदवार कला राय से हार गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और राज्य सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन अब की बार हार का सामना करना पड़ा है। तो बहुत बड़ी खबर, और दोस्तों बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है सिक्किम राज्य के अंदर, जहां बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बस 24 घंटे का और इंतजार है, 24 घंटे बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि दोस्तों भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इंडिया एलायंस का या दोस्तों एनडीए सरकार का। आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपनी राय कमेंट में लिखें।